Osman. Uğuz. ये देखें जरा इसको, तुम टोपी क्यों पहनी हुई है? सोते हुए कौन टोपी पहनता है? हेलो गाइस, और कैसे हो? समझ ओ भाई, वो मैं रहा आपको पर घर में बैठे रहना अंदर। अंदर देखिए उसके आशिम तो बहुत ज्यादा, तुम्हें पता देंगे इसका। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे कि पिछले व्लॉग्स में आपने देखा, हम कपड़े धो रहे थे, पैरी बनाई, सहरी बनाई, फिर उसके बाद हमने प्रैंक भी किया, क्रिकेट भी खेली। आज के व्लॉग में हम ये करने वाले हैं कि जैसे कि हमने पहले जब मैंने रमजान व्लॉग स्टार्ट करने लगा था उससे पहले मैंने कहा था कि हम चैलेंजेस भी करेंगे। तो आज ये व्लॉग जो एक चैलेंज व्लॉग है, इसमें मैं और सुभान एक चैलेंज करेंगे जो जिसे कहते हैं वन बाई नीटिंग चैलेंज। आज ना मम्मा ना एक वो बना रही हैं, स्पेशल रेसिपी बना रही हैं इफ्तारी के लिए ख़ास, वो है रोल पराठा। हमने ना मम्मा ना वैसे ना घर पे कोई ना कोई चीज़ें बनाती रहती हैं, ट्राई करती रहती हैं, अपनी ना इन्वेंशंस क्रिएट करती रहती हैं कुछ ना कुछ। तो मम्मा ने आज से कहा कि आज ना चलो बाहर की कोई चीज़ बनाते हैं। मम्मा ने रोल पराठा बनाया, मम्मा डोनट भी बनाया है मम्मा ने घर पर, और मम्मा ने गोलगप्पे भी घर पर बनाए हुए हैं। वो जब बनाएंगे आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन आज मम्मा स्पेशल चीज़ बना रही है, वो है रोल पराठा। तो हम रोल पराठे का ईटिंग चैलेंज करेंगे, वो है वन बाइट ईटिंग चैलेंज। वो जब हम करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हमारे ईटिंग चैलेंज हम क्या करने वाले हैं। सो वेट एंड वॉच। और अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पिछले ब्लॉग में सुभान ने मुझे दिखाया था कि मैं सो रहा था, और ये और अब ये देखिए ये खुद क्या कर रहा है। आया आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ज़रा, ये देखें सुभान जरा बताना सुभान, सुभान हेलो ही कर दो ये कैसा हेलो है? अब इफ्तारी के बाद हम करेंगे वन बाइट ईटिंग चैलेंज, तो आपको हम वो दिखाएंगे। सो लेट्स सी कौन जीतता है। और गाइस अब हम फाइनली बैठे हैं चैलेंज के लिए, हमने इफ्तारी भी कर ली है। जैसे कि आपको पता है इफ्तारी के बाद अगर खाया नहीं जाता है, लेकिन जब हमने फ्राई में रोल पराठा खाया तो ये बहुत हैवी था, मतलब बहुत, हमने सिर्फ एक एक ही खाया सबने और बहुत हैवी था, हमसे एक पे ही बस पेट फुल हो गया था। अब हम दोबारा वही एक और जो रोल पराठा बचा था वो हम खाने, बचा नहीं हुआ था, हमने एक्स्ट्रा बनाया था, अब हम वो खाने के लिए बैठे हैं। अब चैलेंज ये है कि हमने वन बाइट चैलेंज करना है। वन बाइट चैलेंज में ये है वन बाइट चैलेंज में ये है कि अब हम देखेंगे कौन सबसे कम बाइट्स में पूरा पराठा ख़त्म कर सकता है, हम ये करेंगे। सुबह रेडी हो आप? अब आपको दिखाते हैं पहले हमारा रोल पराठा तैयार किस तरह हो रहा है, ये अब आप देखिए। सबसे पहले ना इसके अंदर मायोनीज लगाना है, पराठा बना के इसके अंदर मायोनीज लगाना है, मायोनीज के अंदर फिर इसको स्प्रेड कर देना है। फिर ना ये चिकन लेना है, ये जो हमारा चिकन बनाया था, ये चिकन उठा के बीच में रखना है, बीच में एक लाइन इसमें बना देनी है, ये ना ये देखें। फिर इसमें हम ये डालेंगे ये प्याज के टुकड़े, जो प्याज में हमने टोटे टोटे किए थे हम उसको डाल देंगे, वो भी हमने एक लाइन के अंदर ही बनाने हैं। फिर अब दूसरे पराठे में भी डालेंगे और साथ में क्यूकम्बर भी, थोड़ा सा इंग्लिश एक्सेंट भी आना चाहिए, क्यूकम्बर। हमने इसके अंदर क्यूकम्बर डाल दिए, क्या डाला हमने सुभान? क्यूकम्बर। I want it all before I'm gone. Yogurt plus pudina, pudina wali chutney. हाँ, pudina wali chutney is equal to yogurt. ये एक पराठे को कपड़े पहनाए जा रहे हैं ताकि उसको सर्दी ना लगे, एक को पहना दिए गए हैं, अब दूसरे की बारी। अब ये हमारे दो रोल पराठे तैयार हैं, अब ये हमारे जाएंगे पेट में। जी तो आपने देखा कि हमारा रोल पराठा बना किस तरह है, अब हम ना अपने अपने रोल पराठों के साथ आ गए हैं।
और हमने साथ ना कहते हैं ना कि एक चीज के साथ उसकी पार्टनरशिप होती है, हमने वैसे पार्टनरशिप के तौर पे ये लिया टैंग। टैंग हम टैंग पिएंगे बारी बारी, एक एक बाइट के बाद। चलो अब हम रेडी स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज। चैलेंज में ये कि कौन सबसे कम बाइट्स के अंदर अपना पूरा पराठा खत्म कर देगा, ये चैलेंज है। पहले बाइट खाएगा फिर मैं खाऊंगा। दोनों एक साथ खाते हैं, मतलब पहले बाइट मैंने लिया फिर उसके बाद तुम बाइट लोगे फिर मैं। ठीक है ना, ठीक है। रेडी तो स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज। तुमने पकड़ ही ले, तुम पहला पॉइंट ले लो। मैं ले लूं पहला पॉइंट। मैं तब तक थोड़ी शुरुआत टाइमिंग लगा दो। ये बहुत बढ़िया। तारे जमीन पर ये बॉम्ब नहीं कैसे कौन है, कहां से आते हैं? अब मेरी बारी। बाइट थोड़ी देरी थी ना, ये वन बाइट। तेरे पीछे कोई पे है चालू ना था। चालू जब मैं आपको कहा था बोलियां तोड़ दिया उसमें, मैं यहाँ पे आके कभी वाक ही नहीं आना कहीं जाऊं। अब सुभान का आपने पहला बाइट टेक लिया, मेरी बारी। अब मेरी पहले बाइट की बारी। बड़ा मुंह खुलने लगा है। छुपा लिया। बड़ा वो छोटी बात। चटनी काफी ज्यादा। अकलमंदी की का। अकलमंदी में जीत जा रहा है, छोटा सा बाइट लिया। हाँ मैंने की। आप भी इतनी लगने बताओ। सुभान ये वाकई जज्बाती हो रहा है। दो बाइट सुभान के शुरू हो गए हैं। तो इनकी बस सेम कर लिया गया है। पिछले बाइट मेरा पराठा नीचे खुल गया। आपको साथ ये पता चला कि जो हारा उसके लिए पनिशमेंट क्या है? तो पनिशमेंट ये है, जो हारेगा उसको एक एक पूरी साबित पूरी नहीं बाइट। चलो यार एक बाइट तो एक, ये नहीं क्या छोटा सा, ये नहीं क्या छोटा सा, तकरीबन आधा या फिर उससे भी आधा ही समझ लें कि आधी पूरी, पूरी नहीं आधी साबित मिर्ची हरी मिर्च खानी पड़ेगी। ये मेरा थर्ड बाइट है। अभी ना सुभान के पेट से नहीं गया आवाज की। Oh my God! Oh, Subhan! यार आप एक दफा ना ये सुभान के पराठे की हालत देखें और मेरे पराठे की हालत देखें। ये मेरा चौथा बाइट है। ये पक्का पांचवें बाइट में गया। देखा? मेरा भी यही सीन है, मैं भी यही कर रहा हूँ। अब हार रहे हो तो ब्लेम किसी और को करोगे। एंड बाय
नहीं इसको अभी नहीं, नहीं यार इतना नहीं होना, इतना भी नहीं करना, पहले इसको खा लो फिर उसके बाद वो पियोगे। खाओ कुछ नहीं है ना, और चीनी तो एक मिनट, ये क्या है, ये भी कड़वी होती है, जो छोटी सी होती है, छोटी छोटी वो कड़वी होती है। ये तो कुछ नहीं था, ये तो मेरे साथ, ये तो मजाक हो गया। बंद को भी जैसी, बंद को भी जैसी, सही मजाक हो रहा है, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यही अच्छी बात नहीं है, मैंने इसको पहली दफा कोई मिर्ची खिलाई कि चलो फर्स्ट टाइम सजा के तौर पर मिर्ची खिलाई और ये बड़े मजे से खा गया। पहले बड़े कह रहा था कि मैं इतनी खाऊंगा, इतनी खाऊंगा, इतनी खाऊंगा, वो जब खाना शुरू हुआ तो अगला पूरी खा गया। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, होप सो आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया हो, और इसी तरह के अगर आपको चैलेंजेस और देखने हैं तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपके लिए हम इसी तरह के ट्रेनिंग ब्लॉग्स, ट्रेनिंग चैलेंजेस और वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, और अब आपसे मिलते हैं हम और वीडियोस में और ब्लॉग्स लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।